हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो कौन से ऐसे 10 फैक्टर्स हैं कि जो आपको देखने चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो मार्केट में, तो आप मोस्टली आपके जो कॉमन सवाल होते हैं, जो लोगों के कॉमन सवाल होते हैं, वो क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है, इसका स्क्वायर फीट क्या है और आप इसका प्राइस कितना कम करेंगे। मोस्टली ये तीन ही सवाल होते हैं। क्या होता है दोस्तों कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो उसमें सवाल क्या करना है। अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो आप ये पूछते हो कि इसका सेफ्टी कैसा है, इसमें कितने कितने एयरबैग्स है, गाड़ी का माइलेज कितना है, उसका इंजन कैसा है, बल्कि यहाँ तक कि आप कौन सा कलर लेना है वो भी आपका प्रेफरेंस होता है। लेकिन दोस्तों जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्या सवाल करने हैं, आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है और किसकी प्रायोरिटी क्या है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि आप कोई गलत प्रॉपर्टी ले लेते हो जिसकी वजह से आपका हजारों का या लाखों का नुकसान हो जाता है। अब दोस्तों प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप आसानी से खरीद या बेच नहीं सकते। जैसे कि मान लो कि अगर आपने कोई मोबाइल लिया, आपको नहीं पसंद आया, आपने वो बेच दिया, आपने नया मोबाइल ले लिया। प्रॉपर्टी बेचना और नई प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसमें आपका ब्रोकरेज एप्लीकेबल होता है, आप नई प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे तो उसमें आपका टाइम और एनर्जी आपका वेस्ट जाता है, फिर आप नई प्रॉपर्टी लेंगे तो उसके अंदर आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स है कि जहां पर आपका बहुत सारा टाइम, पैसा और एनर्जी जाता है एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में स्विच करने में। अब दोस्तों ये जो 10 फैक्टर्स है उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन से फैक्टर पे आपको वेट ज्यादा देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपको 3 BHK खरीदना है, आपका बजट 50-60-70 लाख तक का ही है और उसमें सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आप वो दो प्रोजेक्ट में से आप एक प्रोजेक्ट चूज कर लीजिए। या तो दोस्तों मान लो कि अगर आपका जो पेमेंट टर्म्स है वो मान लो कि अगर आपको 5 साल में पेमेंट देना है, अगर आपको बैंक लोन में नहीं जाना है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में जाना है और सिर्फ एक ही ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो ये पेमेंट टर्म्स दे रहा है, तो फिर आपको बाकी सारे प्रोजेक्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक प्रॉपर बायर हैं, अगर आपको प्रॉपर स्टडी करके अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको दिल की तसल्ली चाहिए कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो बिल्कुल सही है आपके लिए, तो फिर दोस्तों आप ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें मैं जो सारे फैक्टर्स बताता हूँ उसमें आप खुद को मार्क्स दीजिए 1 से 10 तक। 10 का मतलब है कि वो सबसे बेस्ट है, 1 का मतलब है कि सबसे लो है। आपकी कॉमन सेंस के हिसाब से, आपकी स्टडी के हिसाब से आप उस चीज को मार्क्स दीजिए, इससे आपको डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो उसके 3 ही रीजन होते हैं। पहला रीजन है सेल्फ यूज। अगर आप प्रॉपर्टी खुद के लिए देख रहे हो तो उसके बाइंग के रीजन अलग होंगे, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो फिर आपके बाइंग के रीजन अलग होंगे, और अगर आप एक सेकंड होम की तरह अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने चाहते हो तो उसके बाइंग के रीजन अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों के कई लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉपर्टी खुद के लिए लेनी है, लेकिन फिर इसमें प्राइस कितना बढ़ेगा, या तो फिर उसमें अगर मैं रेंट पे दूंगा तो उसका ROI क्या क्या आएगा, तो वो बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों कि अगर आप खुद के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो तो फिर उस प्रॉपर्टी से मार्केट कितना दूर है, वहां से एक्सेसिबिलिटी कितनी ईजी है, वहां से अगर बच्चों की स्कूल है तो वो कितनी दूर है, ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो फिर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर इस प्रॉपर्टी के अंदर रेट कितना बढ़ेगा, प्राइस कितना अप्रिसिएशन होने का चांस है, उसके अंदर ROI कितना अच्छा है, उसमें रेंटल इनकम कितना अच्छा है, और थर्ड चीज के उसको सेल करना कितना आसान है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो डिफरेंट सिटी में है, मान लो कि जैसे कि आज गोवा के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन दे रहे हैं, जिसके अंदर ROI बहुत अच्छा है, लेकिन उसको सेल करना इतना आसान नहीं है। इंडस्ट्रियल ब्लॉक की कोई कंपनी है, वो आज क्या करती है कि आपको बोलती है कि आपको 6-7% आपको ROI देती है। इंडस्ट्रियल प्लॉट में एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उस इंडस्ट्रियल प्लॉट को आप बेच सके, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि उसके ब्रोकर्स अलग होते हैं, उसको सेल करने में आपकी जान निकल जाएगी। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं कि जो लोग सेकंड होम की तरह कोई प्रॉपर्टी लेते हैं। तो दोस्तों यहां तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि फ्यूचर में भी मेरे अगर ऐसा वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों जो सबसे पहली चीज है वो आपको देखनी है ब्रांड। कोई भी बिल्डर का एक ब्रांड होता है, अगर वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लिस्टेड प्लेयर है, अगर वो बहुत ही पुराना बिल्डर है, अगर उसने अपने प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट किए हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है, वो अच्छे लोकेशन में प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसके अंदर एमिनिटीज भी बहुत ज्यादा है, उसके पुराने प्रोजेक्ट का रिव्यूज अच्छा है, उसमें मेंटेनेंस भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप उसको 9 या 10 मार्क्स उसको दे सकते हो। अगर वो एक नोन बिल्डर है लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा है तो उसको आप 6 से 8 नंबर आप उसको दे सकते हो। अगर कोई लोकल बिल्डर है, नया बिल्डर है, तो फिर आपको उसको कम मार्क्स देने हैं। तो वैसे अलग अलग फैक्टर्स है जिसके ऊपर आप उसको मार्क्स दे सकते हो। दोस्तों दूसरा पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उससे डिसाइड करता है कि आपके आने वाले 10 या 15 साल जितना भी टाइम आप उस लोकेशन में रहेंगे, आप उस प्रॉपर्टी में रहेंगे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका कैसा रहेगा। लोकेशन में दोस्तों ये भी मैटर करता है कि उस लोकेशन से मार्केट कितना दूर है, आपके बच्चे की स्कूल कितनी दूर है, आपका वर्क प्लेस कितना दूर है, वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं
उन सारी चीजों के लिए वहां का एक्सेसिबिलिटी कैसा है, वो सारी चीजें लोकेशन में मैटर करती है। दोस्तों तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइट लेआउट, कि वो प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट कैसा है, वो पूरा स्क्वायर आता है या तो पूरा रेक्टेंगल है या तो एक क्वाड्रिलेटर है या तो मान लो कि जली हुई रोटी की तरह पूरा बिखरा हुआ है कि उसका एंट्रेंस छोटा है, अंदर जाके प्रोजेक्ट कुछ अलग ही शेप में चले जाता है। फिर उस प्रोजेक्ट के आजू बाजू में क्या है, उसको लग के क्या है, दूसरा एक बड़ा टावर आता है, दूसरा कोई प्रोजेक्ट है, या तो फिर उसको लग के कोई हाईवे आता है जहां पर आपको बहुत सारा शोर शराबा हो सकता है, या तो फिर उसके बाजू में कोई नदी जा रही है या तो फिर कोई नाला जा रहा है, तो वो सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करना है। दोस्तों ये सारे जो मैं अलग अलग पॉइंट बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली वन टू वन नहीं आएगा, आपके लिए कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको देखनी है। पॉसिबल है कि लेआउट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या तो लोकेशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो सारी चीजें आपको देखनी है। दोस्तों चौथा पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है कि कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है और पूरे प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेंटरी है, यानी कि पर एकड़ में कितने लोग उसमें आने वाले हैं। पांचवी चीज आपको देखनी है दोस्तों कि एफिशिएंसी ऑफ द लेआउट, इसका मतलब है दोस्तों कि आप जो यूनिट बाय करने वाले हो उसका पूरा का पूरा लेआउट कैसा है, उसमें बालकनी कैसी है, उसका कॉर्नर फ्लैट है दो साइड से ओपन है या तो तीन साइड से ओपन है, उसके अंदर धूप कितनी आएगी, उस फ्लैट का डायरेक्शन क्या है, आप जो यूनिट लेने वाले हो उसके सामने क्या है, टावर है, एमिनिटीज है या तो पूरा ओपन स्पेस है, आप लोअर फ्लोर ले रहे हो, हायर फ्लोर ले रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। बहुत सारे बिल्डर इसको प्रॉपरली प्लान नहीं करते जिसकी वजह से उसके अंदर 50 स्क्वायर फीट से 100 स्क्वायर फीट का नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों आप एक एक स्क्वायर फीट का पैसा दे रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो फ्लैट है उसके अंदर बालकनी की साइज क्या है वो मैक्स टू मैक्स 10% या 50% से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एज पर द रेरा आप पूरे फ्लैट का पैसा दे रहे हो इंक्लूडिंग द बालकनी, बालकनी का भी आपको 100% आपको पेमेंट देना है। दोस्तों छठा पॉइंट आता है एमिनिटीज, एमिनिटीज कितनी है उस प्रोजेक्ट में और आपके लिए कौन सी एमिनिटीज मैटर करती है। सातवां पॉइंट आता है दोस्तों कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो माइवन कंस्ट्रक्शन है, एसी ब्लॉक्स वाला कंस्ट्रक्शन है, पुराना कंस्ट्रक्शन है या फिर नया कंस्ट्रक्शन है, रेड ब्रिक्स में किया हुआ है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। माइवन कंस्ट्रक्शन सबसे बेस्ट है, न्यू कंस्ट्रक्शन सबसे बेस्ट है, और अगर आप पुराना ले रहे हो, रेड ब्रिक्स वाला कंस्ट्रक्शन वाला ले रहे हो, तो उसको आपको कम पॉइंट देना है। दोस्तों आठवां पॉइंट है पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान दोस्तों बहुत ही जरूरी है। क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पसंद आया लेकिन उसका पेमेंट प्लान ऐसा है कि आप उसको नहीं ले सकते, या तो फिर मान लो कि कोई बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो ऐसे पेमेंट प्लान देते हैं जो आपके लिए पेमेंट करना बहुत ही इजी हो जाता है। दोस्तों बहुत सारे बिल्डर क्या होता है कि बहुत ही इजी पेमेंट प्लान देते हैं, जैसे आपको अभी 20% देके आप बुकिंग दे दीजिए और 80% आप डायरेक्टली पोजीशन पे दे दीजिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि पेमेंट प्लान ही एक ऐसी चीज है कि जो बिल्डर आपके लिए कर सकता है। दोस्तों नवी चीज है जेंट्री। तो जेंट्री एक ऐसी चीज है कि आप जहां पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हो वहां पर क्राउड कैसा है, यानी कि वहां पर इन्वेस्टर ज्यादा है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर ज्यादा होंगे तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे, रेंट पे देंगे तो फिर उसमें बैचलर्स भी आ सकते हैं, फॉरेनर्स भी आ सकते हैं, स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि फैमिली वाले लोग फिर कम आए, फैमिली वाले लोगों को कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि एंड ऑफ द डे जब आप उस फ्लैट के नीचे आप उतरते हो तो आपको कैसे लोग टकराते हैं, वहां का लोग कैसा है, वहां का क्राउड कैसा है, क्या वो लोग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, झगड़ा करने वाले हैं, मेंटेनेंस सही टाइम पर नहीं देने वाला है, या तो फिर एक ही फ्लैट में तीन तीन चार चार पांच पांच बैचलर्स हैं जिनकी खुद की टू व्हीलर्स हैं, जिसकी वजह से आपको पैसेज में पार्किंग में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर वहां पर यंग क्राउड ज्यादा है, आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग ज्यादा है, या तो फिर वहां पर बुजुर्ग क्राउड ज्यादा है, जो लोग रिटायरमेंट के हिसाब से या तो सेकंड होम के हिसाब से उन लोगों ने वहां पर फ्लैट लिया हुआ है और आप यंग है तो हो सकता है कि आपको उनके साथ ट्यूनिंग मैच ना हो। दोस्तों जेंट्री एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए भी है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि अगर आप कोई 2 BHK खरीदने जा रहे थे लेकिन उस बजट में आपको थोड़ा सा दूर या तो किसी लोकल प्रोजेक्ट में आपको 3 BHK मिल गया, आपने सोचा कि 2 BHK की प्राइस में आपको 3 BHK मिल रहा है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि उस 3 BHK के लोकेशन में आपका जो एक इकोनॉमिक स्टेटस है और वहां पर कैसे लोग आ रहे हैं वो आपको नहीं मालूम है, तो इन्हीं लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, ये लोग मेंटेनेंस टाइम पर देते हैं या नहीं देते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उससे आपकी लाइफ पे और आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट आएगा। आपकी वाइफ अगर किटी पार्टी करती है तो कैसे लोगों के साथ करती है, आपके बच्चे खेलते हैं तो किन के साथ खेलते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग अगर क्लब हाउस में जाके बैठते हैं तो उनका किन के साथ उठना बैठना होता है, आप एक बिजनेसमैन है, आप एक सर्विसमैन है तो आपका कैसे लोगों के साथ आपका नेटवर्किंग हो रहा है, वो सारी चीजें मैटर करती है आपकी लाइफ की ग्रोथ के ऊपर। अब दोस्तों दसवां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइस। अब दोस्तों आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ अपने वेटेज कर लिया, आपने सब चीजों को मार्क्स भी दे लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोजेक्ट का प्राइस क्या है। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो तो आपको वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों कि आप सही प्रोजेक्ट, सही प्रॉपर्टी सही दाम में खरीदना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या होता है कि लोग ढूंढते हैं कि भाई स्टील प्राइस में क्या प्रॉपर्टी मिल रही है,
स्टील प्राइस जैसी कोई चीज नहीं है। अगर किसी प्रॉपर्टी का प्राइस कम है तो उसके पीछे कोई तो भी फैक्टर है, ऊपर जैसे मैंने 9 फैक्टर्स बताए उसमें कोई तो भी फैक्टर उसमें से मिसिंग है, या तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन है, या तो कोई प्रॉब्लम है, या तो कुछ तो भी ऐसी चीजें मिसिंग है कि जिसकी वजह से उसका प्राइस कम है। आपको वो चीज ढूंढनी है। यू हैव टू बाय समथिंग विच इज वैल्यू फॉर मनी, यू हैव टू बाय समथिंग विच इज राइट प्रोजेक्ट एट द राइट प्राइस। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि महंगी चीज है तो वो अच्छी होगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई ब्रांड बहुत ही ज्यादा हिट कर देता है तो फिर वो अपना जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस में देता है जो जस्टिफाइड नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए कौन सा फैक्टर मैटर करता है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप पुणे में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, अगर आप क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है हुसैन तैयब, मैं पुणे में एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट काम करता हूँ और मैं क्लियर टाइटल कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ही डील करता हूँ। दोस्तों अगर आप पुणे में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में आपके फैमिलीज में आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और ज्यादा वीडियोज बनाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।